नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कसरावद में स्व सहायता समूह और रसोइयों ने सौंपा ज्ञापन, विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, जल्द ही समस्या के निराकरण की मांग। मध्य प्रदेश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के केस, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 400 के पार, सीएम शिवराज ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। और कालीचरण की गिरफ्तारी के मामले ने पकड़ी तूल, सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हिंदूवादी संगठन, संस्कृति बचाओ मंच ने सीएम भूपेश बघेल का जलाया पोस्टर। कसरावद तहसील क्षेत्र के देवग्राम जलखा में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में महिला मंडल और युवा मंडल के गायत्री परिजनों ने स्वच्छता अभियान का क्रम चलाया। इस दौरान पूरे गांव में गायत्री परिवार की नन्नी नन्नी बालिकाओं ने भी गली मोहल्लों सहित स्कूल परिसरों में साफ सफाई की है, साथ ही स्वच्छता बनाए रखने का संदेश भी दिया है। वहीं ग्रामीणों को जागरूक करते हुए यह कहा गया कि हमें हमेशा अपने घर के आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए, जिससे हमारा गांव स्वच्छ और निर्मल बने। इस मौके पर सभी ग्रामवासियों ने स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प भी लिया। कसरावद में क्षेत्र के स्व सहायता समूह और रसोइयों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले 2 साल बाद मध्य प्रदेश शासन ने नवम्बर माह में 50% के हिसाब से मध्यान्ह भोजन करने का आदेश दिया था, लेकिन प्रत्येक साल में 60 से 75% तक बच्चे खाना खा रहे हैं और शासन द्वारा 25 से 50% के मान से ही राशि और खाद्यान्न का भुगतान किया जा रहा है। अगर इसी तरह से भुगतान होता रहा तो मध्यान्ह भोजन वितरण करना संभव नहीं होगा। स्व सहायता समूह ने मांग रखी है कि मध्यान्ह भोजन के राष्ट्रीय खाद्यान्न का भुगतान 80% के हिसाब से करें, साथ ही मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले रसोइयों का भुगतान भी पूरा करें। बता दें, ज्ञापन देते समय इस दौरान बड़ी संख्या में समूह सदस्य मौजूद। माँ अम्बे स्व सहायता का समूह चला रही हूँ। मेरा समूह 15 साल से चल रहा है और सही चल रहा था, और इस बीच लॉकडाउन के बाद आवंटन कम आता है, पैसा कम आता है, अभी भी 52 पैसा डला है और रसोइयों के पैसे नहीं आए हैं। मुझे आवंटन और पैसा बढ़कर चाहिए। और जो आंगनवाड़ियों की बात थी, वो भी मेरे से भी आंगनवाड़ी ले ली गई थी, टेंडर की मुझे सूचना नहीं थी, तो मैं चाहती हूँ, मैंने सब दूर वो करा है, तो मेरे को मेरी आंगनवाड़ियाँ मिलनी चाहिए। और उसमें भी जो भी कसरावद सेक्टर में हो रहा है या आगे से कुछ हो रहा है, अधिकारियों के ऑफिस जाती हूँ, कोई मुझे नहीं मिला। हमको पैसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, आंगनवाड़ी में 500 रुपये मिल रहे हैं, उसमें हमको नहीं पुर रहा है। और स्कूल में गेहूँ भी कम आते हैं, फिर राशन भी कम आता है, उसके बावजूद भी पूरा पेट भर के खाना मांगते हैं, तो हम कहाँ से खिलाएंगे। इतना बकाया है, वो भी राशि अभी नहीं मिली है। और जब अभी लॉकडाउन के समय में स्कूल में भी 9 महीने की राशि मिली है, 10 महीने की राशि और हमारी बाकी है। सरकार से निवेदन है कि वो हमें मिले और हमारा महीने हर महीने का मध्यान्ह हमारा डला जाए। इंदौर के एक ऐसे नेता जो अपना जन्मदिन हर साल गरीबों और जरूरतमंदों को उपहार देकर मनाते हैं, खुशियां सेलिब्रेट सबके साथ करते हैं। दरअसल सर्वधर्म संघ के अध्यक्ष मंजूर बेग का जन्मदिन नए साल की पूर्व संध्या पर आने से खुशियों को भी दोगुना कर देता है। खुशमिजाज और जिंदा दिल इस शख्सियत ने सर्वधर्म संघ के माध्यम से सभी धर्मों के त्योहारों को दिल खोलकर मनाया है। इस खुशी के मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी केक कटिंग की और अपने हाथों से गरीबों और जरूरतमंदों को कंबल और साड़ियां वितरित की। बता दें, इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्मदिन भी धूमधाम के साथ मनाया गया। समय पहला तो हमारे देश के लोकप्रिय नेता ज्योतिराज सिंधिया जी का 1 जनवरी को जन्मदिन है। आज उनका जन्मदिन यहाँ हम सेलिब्रेट करते हैं राजवाड़े पर माल्या की नगरी पिछले कई वर्षों से, और उनका जन्मदिन जो है बोले सामान्य रूप से गरीब और बेसहारा यतीमों के साथ मनाते हैं। उनको हम साड़ी और कम्बल का वितरण करेंगे। ये वितरण प्रदेश के लोकप्रिय नेता तुलसी सिलावट जी के हाथों होगा भी, और आज ही के दिन मेरा जन्मदिन है। मेरे साथ मेरी जो टीम है, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे समर्थक हैं, इनका बड़ा स्नेह और बड़ा प्रेम मेरे साथ रहता है। आज बड़ी
भीड़ भाड़ और ढोल धमाकों के साथ जन्मदिन यहाँ पर सिंधिया जी के साथ मेरा भी है सेलिब्रेट करते हैं। मैं मेरे साथियों के साथ ही सभी उन व्यक्तियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मेरे जन्मदिन पर और सिंधिया जी के जन्मदिन पर उपस्थित होकर जो हमारे को स्नेह और प्रेम दिया, इसके लिए वो सभी धन्यवाद के पात्र। विगत 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी में विशाल जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान भाजपा नेता सोनू चुग के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी जनसभा में पहुंचे थे। सोनू चुग ने कहा कि देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले जो विकास के प्रतीक है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पुनः भाजपा पूर्ण बहुमत से प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी। वहीं हमारे संवाददाता एसके मिश्रा के पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार की जितनी घोषणाएं हैं वह सब धरातल पर जल्द ही नजर आएगी। हाँ चुग जी, आज जो नरेंद्र मोदी जी का जो हल्द्वानी में कार्यक्रम है, आपके कार्यकर्ता आपके पदाधिकारियों का किस प्रकार की तैयारी है और आज जो जनसभा है उनका लगभग कितनी तादाद में भीड़ होने की आशा है? आज हल्द्वानी में जो रैली होने जा रही है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की, लाखों लोग जुट रहे हैं। और अभी मेरी हल्द्वानी बात हुई, उन्होंने कहा जो मैदान वहाँ पर जो था हमारा कई लाख संख्या का वो फुल हो चुका है। और अभी हमारी रुद्रपुर से तो गाड़ियाँ रवाना हो रही हैं, 3 बसें इस बाहर से भी जा रही हैं, हमारे उधर ग्रामीण क्षेत्र से 22 बसें रवाना हो चुकी हैं, पंतनगर मोड़ पर खड़ी हैं और सैकड़ों लोग इस विधानसभा से लगभग 100 के आसपास बसें जा रही हैं रुद्रपुर विधानसभा से खाली, और पूरे ज़िले से तो सैकड़ों बसें जा रही हैं और लोग अपनी कारों से मोटरसाइकिलों से, क्योंकि मोदी जी को सुनने का उत्साह पूरे देश में रहता है, क्योंकि वो अब खाली देश के नेता नहीं है, वो पूरे विश्व के नेता हैं। और उत्तराखंड के लिए तो उन्होंने ऐसा ऐतिहासिक काम किया जो कोई कर नहीं सकता, 12,000 करोड़ की ऑल वेदर रोड उन्होंने दी, कर्णप्रयाग की लाइन के लिए उन्होंने हरी झंडी दे दी है, बागेश्वर से कर्णप्रयाग, एक टनकपुर से बागेश्वर की लाइन, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की। इसके अलावा आज वो 17,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं हल्द्वानी में और लोकार्पण करने वाले हैं। और जिसमें सबसे बड़ी हमारी जो मांग है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही राज्य में 2-2 एम्स बनने जा रहे हैं, किच्छा क्षेत्र में हमारा एम्स बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी आज माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और यहाँ से भी सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग अपने आप बसें, सुबह कल से फोन आ रहे हैं, भैया हमें बस पर ले चलो, कार में ले चलो, जैसे ले चलना हमें ले चलो। अभी कई जगह हमने बसें भेजी हैं और कई जगह अभी कम पड़ रही हैं, तो हमने कहा कारों से मोटरसाइकिलों से हल्द्वानी दूर नहीं है, आप पहुंचो। चुग जी, जो उत्तराखंड सरकार जो इस समय वर्तमान में आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, चुनाव 2022 का जो चुनाव शंखनाद होने वाला है, शायद ये नरेंद्र मोदी जी शंखनाद कर रहे हैं एक जनसभा के रूप में, इससे पहले जब चुनाव नज़दीक आता है तो बीजेपी लोकार्पण और शिलान्यास करने में गति क्यों देती है? नहीं नहीं, उससे पहले कितने काम हो चुके हैं आप देखो ना, लगातार काम चल रहा है। आप मेरे साथ पहाड़ की तरफ चलो, इधर आप एक तरफ से शुरू हो जाओ, मैं तो रुद्रपुर विधानसभा या गदरपुर किच्छा की बात करूं, किच्छा में कितनी काम हो गया, आपकी तहसील आ गई, डिग्री कॉलेज आ गया, मंडी आ गई, रुद्रपुर में ट्रांसपोर्ट नगर बन गया, नई मंडी बन रही है, गदरपुर मंडी तैयार है, कितने स्टेडियम वहाँ पर बन गए गदरपुर क्षेत्र में, आप देखो ना, तो लगातार काम हो रहे हैं। अब तो जो जो काम रह गए हैं उनको आचार संहिता से पहले उद्घाटन करें ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। और माननीय युवा मुख्यमंत्री जो धामी जी के नेतृत्व में दोबारा से सरकार आने जा रही है और शायद हम 60 से ज़्यादा सीटें पार करने जा रहे हैं और युवा सरकार दोबारा आपके बीच में रहेगी, और ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं धामी जी। कल भी खटीमा में उन्होंने नए नए काम शुरू करा दिए हैं, और इसके अलावा उन्होंने कहा, और वो जो काम कह रहे हैं उसको कर रहे हैं, उसी की घोषणा कर रहे हैं, ऐसे नहीं। महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा कि अभी एक प्रस्तावित पारित हुआ था अपने विधानसभा में, जो काफ़ी दिनों से यहाँ की जनता की मांग थी, जो मालिकाना हक, जो नजूल पर बैठे हुए हैं, मालिकाना हक का जो चर्चा हो रही है कि प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन चुनाव से पहले धरातल पर क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, उसके शासनादेश सारे आ चुके हैं, फाइलें बनना शुरू, हमारे पार्षद खड़े हुए हैं, इन्होंने फाइलें बनवाना शुरू कर दिया। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज़।